द कश्मीर वॉर ऑफ़ 1948 हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन सिखा कर गया था कि अगर हमें हमारे देश के फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर कर रखना था तो हमें एक बहुत ही स्ट्रांग आर्म्ड फोर्स की जरूरत थी और इसीलिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कुंजरू कमेटी एंड एक्ट वॉज पासड बाय दार्लियामेंट द एन सी सी एक्ट ऑफ नाइनटीन जिसके चलते बना हमारे देश का यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो कि है नेशनल कैडेट कॉर्ब जिसका इनोग्रेशन हुआ था ऑन फिफ्टीन ऑफ जुलाई नाइनटीन फोर्टी एट एन हम

सीसी एक ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेन्ड और डेवलप्ड यूथ को बनाता है ये ट्रेन करता है ऑल द यंग स्टूडेंट्स फॉर देयर इंटरेस्ट डेवलपमेंट इन ऑल द थ्री यूनिट्स ऑफ आर आर्म फोर्सेस यानी कि आर्मी नेवी एंड द एयरफोर्स ये सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं बनाता है बल्कि बनाता है लीडर्स और साथ ही में जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आगे जाके हमारे देश के प्रति समर्पित होना चाहते हैं उनको रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करता है ये डिफेंस के एग्जामिनेशन में जिनके बारे में आज हम जानेंगे एनसीसी बेसिक एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है इट कंप्राइज ऑफ द आर्मी द नेवी एंड द एयरफोर्स पर्सनैलिटीज लाइक नेताजी कैप्टन विक्रम बत्रा कैप्टन मनोज कुमार पांडे ऐसी पर्सनालिटीज जो हमारे यूथ को हर टाइम मोटिवेट करती हैं इंस्पायर करती हैं ये भी पहले एनसीसी का पार्ट रह चुके हैं एनसीसी के स्ट्रक्चर की बात करें तो एनसीसी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इट इज़ हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल विद हेड क्वार्टर सिचुएटेड एट न्यू डेली जिनके अंडर आते हैं सेवनटीन स्ट्रीट डायरेक्ट्रेट्स जिनके अंडर आते हैं नाइन्टी ग्रुप हेड क्वार्टर जिनके अंडर आते हैं सेवन सेवन यूनिट्स These units are further divided into the navy the air force and the army the director general of ncc is lieutenant general sir gurbir pal singh who is an alumnus of the national defense academy and the indian military academy he was commissioned into the parachute regiment in 1987 the first dg of ncc was colonel gg bevor एनसीसी का फ्लैग इट कम्प्राइजेज ऑफ थ्री कलर्स जो हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के तीनों कंपोनेंट्स को दर्शाता है द रेड कलर स्टैंड्स फॉर द इंडियन आर्मी द डीप ब्लू कलर स्टैंड्स फॉर द इंडियन नेवी एंड द लाइट ब्लू कलर स्टैंड्स फॉर आर इंडियन एयरफोर्स द मोटो विच इज रिटन बिलो दिस फ्लैग इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन यानी कि एकता और अनुशासन जो हमारा एनसीसी है वो हमारे देश का ग्रेटेस्ट कोहेसिव फोर्स है, जो इंडिया के अलग अलग कोनों से यूथ को लेकर आता है यानी कि उनको यूनाइट करता है और उनको एक डिसिप्लिन सिटीजन बनाता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन इज द मोटो ऑफ आर नेशनल कैडेट कॉप्स वट आर द एम्स ऑफ एनसी तो सबसे पहला एम है उनको ऑर्गेनाइज बनाना ट्रेंड बनाना डिसिप्लिन बनाना दूसरा एम है इनमें ट्रेन करना इनको जिससे इनमें डेवलप हो पाए इंटरेस्ट फॉर टेकिंग देयर करियर इन टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ये फर्दर इनमें कैरेक्टर डेवलप करता है एक सेंस डेवलप करता है ड्यूटी का उनको डिसिप्लिन बनाता है दस मेकिंग द यूथ अ प्रॉपर सोल्जर अ प्रॉपर लीडर अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड ट्रेन एंड अ डिसिप्लिन सिटीजन ऑफ आर कंट्री 1965 के वॉर की बात करें या फिर 1971 के वॉर की बात करें दोनों में ही एनसीसी के कैडेट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बने थे और इसी के बाद में एनसीसी के सिलेबस में थोड़ा रिवीजन किया गया और उसमें ऐड की गई लीडरशिप क्वालिटीज और ऑफिसर लाइक -like क्वालिटीज अगर आप भी एन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको वॉल्टरली ज्वाइन कर सकते हैं यह ओपन है दोनों गर्ल्स और बॉयज के लिए एट स्कूल लेवल एट कॉलेज, कॉलेज लेवल और एट द यूनिवर्सिटी लेवल एनसीसी के दो विंग्स होते हैं एक होता है जूनियर विंग और एक होता है सीनियर विंग विंग जूनियर विंक को ज्वाइन करने के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए थर्टीन ईयर्स और इसमें इंक्लूडेड होती है दो साल की ट्रेनिंग अगर आप सीनियर विंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप छब्बीस साल की उम्र तक उसको ज्वाइन कर सकते हैं विच इंक्लूड्स अ ट्रेनिंग ऑफ थ्री इस वॉट अबाउट द ट्रेनिंग इन एन सी सी तो मैम ट्रेनिंग कैसी दी जाती है एन सी सी में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और जो भी सर्विस आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी एक बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाती है एन सी सी के अंदर इसमें बेसिक ड्रिल्स होते हैं अगर हम लोग किसी भी सर्विस की स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें बहुत सारी एडवेंचर ट्रेनिंग्स की जाती हैं जैसे कि अगर आर्मी की बात करें तो उसमें माउंटेन क्लाइंबिंग रॉक क्लाइंबिंग ऐसी एक्टिविटीज़ आपको सिखाई जाती हैं बेसिक वेपन ट्रेनिंग दी जाती है इंडियन नेवी की अगर बात करें तो उसमें आपको सेलिंग करवाई जाती है और साथ ही साथ में रिवर क्रॉसिंग सिखाई जाती है और बाकी की एक्टिविटीज़ जो कि नेवी में काम आती हैं उनसे आपका बेसिक इंट्रोडक्शन कराया जाता है उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करते हैं तो आपको पैराग्लाइडिंग करवाई जाती है एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है जिससे आप वो एन्वायरमेंट देख सकें जो आप फर्दर बाद में ज्वाइन करना चाहते हैं इसी के बाद में बात करें तो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेनिंग का बोलस्टर करता है हमारे पूरे के पूरे जो नॉलेज है उसको और साथ ही में इंक्रीज करता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी इसका साथ ही साथ ही में सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट मेक्स अबाउट ट्वेंटी ऑफ दिस ट्रेनिंग यहां पे हम देख सकते हैं बेसिक ड्रिल्स होती हैं बेसिक वेपन ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है सेलिंग करवाई जाती है सेलिंग एक्सपेक्टेशन पे ले जाया जाता है Drills, marching, this all is taught in the training. अब बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एनसीसी तो एनसीसी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो करता ही है लेकिन जो बच्चे बाद में जाकर फोर्सेस के साथ में जुड़ना चाहते हैं उनको भी बेनिफिट देता है उनको भी रिलैक्सेशन देता है इन द आर्मी एग्जामिनेशन इन द सिलेक्शन ठीक है अब कैसे देता है तो ये बेटा देता है तीन सर्टिफिकेट्स की मदद से जो आपको हर लेवल पे अलग अलग लेवल्स पे दिए जाते हैं सर्टिफिकेट्स होते हैं ए बी एंड सी इनके थोड़ी से डिटेल स के बारे में हम बात करते हैं ए सर्टिफिकेट हमारा जो होता है वो सबसे पहला सर्टिफिकेट होता है ये सर्टिफिकेट आपको एक बेसिक ग्लांस दे देता है सारे इन्वायरमेंट की सबसे पहली बात दूसरी बात ये रास्ता खोल देता है आपका बी सर्टिफिकेट के लिए ए सर्टिफिकेट आपको तब दिया जाता है जब आप एक साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं जूनियर विंग में सेकेंड ईयर के आप स्टूडेंट होते हैं ठीक है और मिनिमम अटेंडेंस आपकी सेवेंटी होनी चाहिए आपकी ट्रेनिंग में बी सर्टिफिकेट की बात करें तो बी सर्टिफिकेट एक इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट हो जाता है ज कंपेयर टू की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, हैं है है? है रास्ता खोल देता है सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट सी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं कि मिनिमम अटेंडेंस परसेंट होनी ही चाहिए साथ में मिनिमम टू नेशनल पीसेज ऑफ ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी पड़ती है अब एनुअल ट्रेनिंग क्या होती है बेटा एनुअल ट्रेनिंग हर साल करवाई जाती है जूनियर विंग के लिए यह नौ से दस दिन की होती है सीनियर विंग के लिए यह मिनिमम एक महीने की ट्रेनिंग होती है अगर ए सर्टिफिकेट की बात करें तो एटलीस्ट वन नेशनल ट्रेनिंग वन एनुअल ट्रेनिंग आपको इसमें अटेंड करी जानी चाहिए होगी बी सर्टिफिकेट की बात करें तो यहां पे भी एक नेशनल ट्रेनिंग जरूरी है सी सर्टिफिकेट में मिनिमम टू एनुअल ट्रेनिंग्स आपको अटेंड करी होनी चाहिए इनके बेनिफिट्स हमें किस तरह से मिलते हैं इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी में थर्टी टू सीट्स पर एग्जामिनेशन यहाँ पे रिजर्व होती हैं यानी कि साल भर में सिक्सटी फोर सीट यहाँ पर रिजर्व होती हैं फॉर द एन सी सी विद ग्रेड ए और ग्रेड बी ठीक है बहुत सारी ग्रेड्स दी जाती हैं इन सर्टिफिकेट्स को जब आप प्राप्त करते हैं उसमें मिनिमम ग्रेड बी होनी चाहिए ग्रेड हो तो ए A हो तो बहुत अच्छी बात है अब यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब भी आप एन का या सी का एग्जाम देते हैं तब आपको रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा सीधे आप जाएंगे एस वाले लेवल पे एस के बाद में होगा आपका मेडिकल टेस्ट एंड नाउ यू विल बी एडेड इन टू द अकेडमी ठीक है ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है पैरामिलिट्री रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको दस से पंद्रह बोनस मार्क्स का बेनिफिट मिलता है बेटा पॉइंट पॉइंट के मार्क्स से इतनी रान खिसक जाती है तो तुम सोच सकते हो कि 10 से 15 मार्क्स कितने ज़्यादा मैटर करते हैं तो ये भी हमारा हो जाता है अब बेटा जब एनसीसी की ट्रेनिंग होती है तो वो आपको एसएसबी के लिए भी बहुत प्रिपेयर करवा देती है इतनी सारी क्वालिटीज़ आप में डेवलप करती है कि वो झलकती हैं किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी में वो चीज़ झलकती है एंड फाइनली इट हेल्प्स यू इन द एस सिलेक्शन इंडियन नेवी की बात करें तो यहां पर भी आपको रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है एंड दैट टू वे ग्रेड ए और ग्रेड बी ठीक है सीधे एसएसबी की तरफ जाओगे दूसरी बात कितना यहां पर रिजर्व सीट्स होती हैं सबसे पहला तो सिक्स एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं आपको सेलर के जॉब के लिए और पंद्रह एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं आपको फॉर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस नाइन वैकेंसीज नेवी में रिजर्व होती हैं जैसे थर्टी टू सीट हमारी आई में रिजर्व थी वैसे ही यहां पर नाइन वैकेंसीज रिजर्व होती हैं फॉर कैंडिडेट्स उसके बाद में Indian Air Force. Indian Air Force में भी similar वही फायदा है। है, अगर आपके पास C certificate है, तो आपको written examination नहीं देना पड़ेगा सीधी एसएसबी स्टेज पे आप जाएंगे साथ ही साथ में पांच मार्क का एडवांटेज आपको यहां पे मिलता है पायलट कोर्स में टेन परसेंट वेकेंसी रिजर्व होती है स्पेसिफिकली फॉर द एनसीसी कैडेट्स एनसीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे यूथ के पर्सनालिटी को तो डेवलप करने में बहुत मदद करता ही है साथ ही साथ में जो आगे जाके आर्म्ड फोर्सेस के प्रति अपने पूरे जीवन को समर्पित करना चाहता है उनको फर्दर रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करता है देयरफॉर एनसीसी एन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नर्चरिंग द यूथ ऑफ आर कंट्री जय हिंद